महल मना रे, लाख बना ले महल मना रे, लाख बना ले दिल न बसा तो क्या, इश्क तब दे आप पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। सब कुछ है यही रह जाना, चित बना दे जीत करा दे यार मेरा साया, नांझण मेरा माही मेरा ढोल मेरा साया। खाद में मत कूदो वरना तुम्हारे साथ साथ छुट्टी मलखन भी जलकर राख हो जाएगी। अब मैं अपनी बेटी को तुम्हारी बहू बनाकर उसे जन्म में नहीं धकेल सकती। ये आप क्या ऑल फॉल मुंह से निकाल रही हैं भाभी? पूजा ऐसी क्या खास बात थी 27 तारीख को? 27 तारीख को मेरा निकाह इनसे हुआ था। बस मेरी बहाली जो है वो समझिए कि मैडम ज़ेबुनिसा की पहली शिकस्त है। अब उनकी बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। इस बार तुमने बहुत मायूस किया है, बहुत ज्यादा। लगता है तुम में पहली जैसी तबाना ही नहीं रही। मैं शर्मिंदा हूं मालकिन, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। रिफत बीबी को जहां रखा था वो मेरा बड़ा महफूज ठिकाना है। मेरे ग्रोह के सिर्फ चंद आदमियों को उसका पता था। फिर भी पुलिस वहां पहुंच गई और तुम और तुम्हारे आदमी चूहों की तरह वहां से भाग गए। मालकिन ये बहुत अचानक हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि पुलिस वहां किस तरह से पहुंची। मुझे शक क्या ये मुखबरी किसी अंदर के बंदे ने की है। बकवास मत करो, तो तुम्हारे आदमियों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। नहीं मालकिन, वो मेरा नहीं आपका कोई आदमी था। क्या बकवास कर रहे हो? इस काम के बारे में हवेली में या तो मैं जानती थी और या फिर रहीम गुल तीसरे किसी आदमी को पता नहीं था। ये मुझे नहीं पता मालकिन, लेकिन ये खबर थाने में मौजूद मेरे बंदों ने दी है। झूठ बोलते हो, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, या तुम अपनी कमजोरी पर पर्दा डाल रहे हो? अगर तुम्हारे उन दो आदमियों को ठिकाने ना लगाया जाता तो तुम्हारे साथ साथ हम भी मुश्किल में आ जाते, पता है तुम्हें इस बात का? मेरे लिए अब क्या हुक्म है मालकिन? एएसपी हुमायूं बहाल हो गया है, तुम्हें अब मोहतात रहना होगा। जी, कल मुझे मिली है इसकी खबर। ये तो बहुत अच्छा है कि वो वापस आ गया है। अभी तो बहुत कर्ज बाकी है। अपने कर्ज बाद में उतारना, अभी कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। 27 को मेरी पोती का निकाह है सादगी के साथ। 27 तारीख को तुम और तुम्हारे आदमी हवेली के आसपास रहेंगे। रिफत या उसका कोई आदमी नजदीक नहीं आना चाहिए। जी मालकिन, ऐसा ही होगा। वहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। निकाह की रस्म अदा होने के बाद तुम्हें अपना कर्ज चुकाने की पूरी आजादी होगी। अपनी जान का सदका दे देना सुल्तान। मालिकन तुमसे बहुत नाराज है।
दिल दे आखे लगे आ जेड़ा इश्क प्याला पीता होर सबक ना पढ़िया कोई यार यार ही कीता हो यार यार ही कीता। मानो क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे आबिद आबिद के बारे में बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो, सब खैरियत तो है ना? इधर आओ। मैं तो आबिद के बारे में तुम्हें पहले सब कुछ बता देती, अगर वो फरसाना आंटी आ गई और उन्होंने मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी थी। नज़ाद तुम मुझे अब बता सकती, हुआ क्या है? मानूर वो मैं कंफ्यूज थी पहले कि तुमने मुझे खाई से गिरने से बचा लिया। तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारी गुनाहगार हूं मानू। आपने तो मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, नौकरी का लालच दिया, शादी का लालच दिया, और सच्ची बात तो यह कि मैं भी लालच में आ गई थी। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। मैं उसकी फितरत को अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए मैंने इनकार भी किया था, और इस इनकार के बदले अम्मा जानी ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मुझे मारा और कैद कर दिया। उस कैद में मैं इनकार की सजा भुगतती रही। ओह, शायद इसीलिए पीजा ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। तो अब क्या करोगी मानूर? कोई और रास्ता भी तो नहीं, कैसे जान छुड़ाओगी इससे? इनकार का नतीजा तुम भुगत चुकी हो। इस बार इनकार किया तो अम्मा जानी मुझे जान से ही मार देंगी। तो फिर अब क्या करोगी? दो ही ऑप्शन, या तो जान दे दूं या इस हवेली को छोड़ दूं। खुदकुशी बुजदिल लोग करते, तुम्हें मुकाबला करना होगा मानू। यहां से निकल कर जाओगी भी कहां? पीजा के खौफ की वजह से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें तो जमीन की गहराइयों से भी निकाल कर ले आएंगे। तुम्हारा कोई दोस्त भी तो नहीं है जो तुम्हें यहां से निकाल कर लेके जाए? सर मेरा एक दोस्त है। क्या, तुम्हारा दोस्त और लड़का? हाँ, उसका नाम अदील है। अदील मेरा दोस्त ही नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी है। वो मेरे लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा मानो, ये सब कुछ कैसे और कब हुआ? सब ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ बोलो। तुम्हें अदील का नंबर देती हूँ, जाओ उससे बात करो, उससे मिलो, उसे यहाँ के हालात बताना, उसे बताना कि मैं इस दोजख से निकलना चाह रही हूँ, वो मुझे आकर ले जाए। परेशान ना हो।
अच्छा तो कब से मुलाजिम? मुलाजिम नहीं साहब, मुलाजिम नहीं, हम तो सरकार के गुलाम हैं। जब से होश संभाला है खान और इनके खानदानों की खिदमत करते आ रहे हैं। मैं तो क्या, मेरा बाप दादा इनकी खिदमत करते करते इस दुनिया से चले गए। अच्छा, यानी गुलाम, इब्ने गुलाम, इब्ने गुलाम। हाँ जी साहब, ये तो मेरी खुश नसीबी है कि मैं सरकार का गुलाम और सारी जिंदगी उनकी गुलामी करना चाहता हूँ। खुश रहो अपनी गुलामी में। ये बताओ कि हाशिम खान को जानते हो? हाँ 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 साहब, एक दो बार उसको देखा था, अच्छा बंदा था, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन। एएसपी हमाया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सॉरी आपको सुबह सुबह तकलीफ दी। अगर आप फोन करके आते तो अच्छा था। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अपनी सीट पे बहाल हो गए आप। आना जाना तो लगा रहेगा खान साहब। आपको एक बात बताऊं, वो क्या कहते हैं, दीवान एंड ओनली, आप वाहिद आदमी हैं जो हमारे इलाके में अपनी सीट पे बहाल हुआ। बारह आइए, आराम से बैठ के बात करते हैं। आइए आइए। चलो कसर सर, इंटरोगेशन जारी रखना। आई आई आई, बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। कहिए एएसपी साहब, सुबह सुबह क्या मसला हो गया? खास साहब, हम एक मर्डर की तहकीक कर रहे हैं। 18 साल पहले आपके कजन हाशिम खान का कत्ल कर दिया गया था। नहीं एएसपी साहब, हाशिम खान का कत्ल नहीं हुआ था। एक कार एक्सीडेंट में मेरे भाई की मौत हुई थी। सरकार की जानिब से जो एफआईआर काटी गई थी उसमें तो ये लिखा था, लेकिन उस वक्त जो मौजूद डीएसपी साहब थे आरएफ, उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये एक कत्ल था, एक सोचा समझा मंसूबा हाशिम खान को रस्ते से हटाने का। डीएसपी आरएफ हाशिम खान का दोस्त था, इसीलिए उसने इस तरह की एफआईआर काटी थी। पर पूरी रियासत जानती है कि हाशिम खान की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। आप ये गड़े मुर्दे क्यों खड़े हैं एएसपी साहब? दरअसल हाशिम खान की बेवा ने केस को रीओपन करने की दरखास्त दी है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो खटिया हरकतों पे उतर आए। सॉरी खान साहब, आप ये किसके लिए कह रहे हैं? हाशिम खान की बेवा के लिए, और किस लिए? कुछ दिन पहले आई थी अपने उस जख्मी डीएसपी के साथ, धमकियां दे रही थी मुझे। उसकी बेटी का निकाह होने वाला है मेरे बेटे के साथ, जो उसे पसंद नहीं है, मना करने आए थे। जब मैंने इनकार किया तो बदले में आपको इस झूठे केस को रीओपन करने की दरखास्त दे दी। बात आप करें तहकीकात जितनी चाहे करना चाहते, हाशिम खान के कातिलों को पकड़ें, लेकिन ये बताओ मेरे पास क्या लेने आए हो? खास साहब, हमें एक बंदे की तलाश है, बशीर नाम था उसका।
हाशिम खान का जब कत्ल हुआ है तो वो वहां मौजूद था। क्या आप जानते हैं कि वो इस वक्त कहां होगा? क्या फजूल बात कर रहे हो एसपी? भला मेरा उस बंदे के साथ क्या ताल्लुक? ना वो मेरा मुलाजिम था, ना ही मैं उसे जानता हूं। खास साहब, आखिरी बार वो आपके साथ ही देखा गया था। एसपी हमायूं साहब, हम रियासत के अमूर चलाते हैं। इस दौरान 150 न जाने कितने बंदे रोज मिलते हैं। अगर उनमें से कोई कत्ल करेगा तो क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आएंगे? नहीं खान साहब, जब तक कोई सबूत नहीं होगा तो आपको कैसे गिरफ्तार करेंगे? बड़े मासूम हो गए इसके हमारे। तुम लोगों से तो ताजे कत्ल के सबूत इकट्ठे नहीं होते। 20 साल पुराने हैं, केस के सबूत कहां से लाओगे? बहरहाल खान साहब, कोशिश करना हमारा काम है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप अपने कजन के कातिलों को एक दिन फंदे पे लटका जरूर देखना चाहेंगे। बशीर के बारे में आपको कुछ भी पता चले प्लीज मुझे बताइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। अदील, उठ बेटा, चल उठ, शाबाश, हिम्मत कर, उठ के दवाई खा ले। दवाई नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा? हैं, उठ, शाबाश शाबाश, उठ जा, हिम्मत कर बेटा। हेलो हेलो मिस्टर अदील जी, आप कौन? मैं मनसा बात कर रही हूँ, मानूर की कजन। क्या जी, मैं ही अदील हूँ। मानूर कहाँ है, कैसी है वो? वो बिल्कुल ठीक है, उसने मुझे आपका नंबर दिया है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी, कब? कहाँ आना है, कब आना है? कल शाम। कितने बजे? 6 बजे। ओके ओके, मैं आ जाऊंगा। लेकिन मैं आपको पहचानूंगी कैसे? आपके पास मेरा नंबर आ गया ना, तो जब आप पहुंचे तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके ओके, खुदा हाफिज। ये अचानक कैसे खड़ा हो गया? बस आ गई हिम्मत।
या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मेरा बच्चा बिस्तर से तो उठा। अम्मा जाने कहाँ है? वो तो किसी काम से बाहर गई है। गुल बाबा के साथ गई? नहीं, गुल बाबा तो गाड़ियों को देखने गए थे, कोई गाड़ी खराब हो गई है। दादू को यही रहने दे। जी छोटी मालकिन। मैं जानती हूँ दादू, आप कुछ नहीं, बल्कि इस हवेली में सिवाय अम्मा जाने के सभी दुखी हैं, खामोश हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, मैंने भी अम्मा जाने के आगे सर झुका लिया। आप भी सोचते होंगे आपकी पोती हाशिम खान की बेटी कितनी बुजदिल है। ऐसा नहीं है दादू, मुझे मेरी जिंदगी की परवाह नहीं है, अतील की फिक्र है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। इस खानदान की इज्जत आप रू के लिए पीछे हट के भूल गई कि मुझे आबिद खान पसंद नहीं, लेकिन वो इतना घटिया निकले सोच भी नहीं सकती थी। उसने मुनस्सा के साथ बहुत बुरा किया, उसे धोखा दिया, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। आप बताएं दादू, क्या मैं किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ? मुझे पता है दादू, आप भी ऐसा ही चाहेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस निकाह से इनकार कर दूंगी। मुझे पता था दादू आप मेरा साथ देंगे। थैंक यू। बाहर बहुत ठंड है, मैं आपको अंदर ले जाती हूँ। सबके सब निकम्मे, एक लड़की नहीं हाथ में आती तुम लोगों के। बड़ी बातें करवा लो, उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया, है कहां पे वो? मैम मैम प्लीज रुकें सर, मैंने नहीं रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन ये जबरदस्ती घुस आई। ये क्या बदतमीजी है, बगैर इजाजत के कैसे अंदर आ गई तुम? बदतमीजी तो मैंने अभी तक की नहीं मिस्टर आबिद, ना पूरे स्टाफ के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देती। कहो तो करके दिखाओ। देखो मनीष साहब, तुम आप बाहर जाओ। ओके। देखो मनीष साहब, ये मेरा ऑफिस है, अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो घर आ जाओ, नहीं तो हम कहीं बाहर जाके मीटिंग कर लेते हैं। मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है मिस्टर आबिद, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए आई कि अपने पालतू कुत्तों को बांध कर रखो जिन्हें तुमने आजाद छोड़ा हुआ, वरना उनके साथ साथ तुम भी मुश्किल में आ जाओगे। मैं
मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? कौन से कुत्ते? वही कुत्ते जो तुमने मुझे अगवा करने के लिए भेजे थे। किसने कहा तुमसे? मुनजा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हो ना तुम? झूठ कौन बोल रहा है? कि शक्ल पे साफ साफ नजर आ रहा है। बहरहाल मैं तुम्हें यहां सिर्फ ये कहने के लिए आई हूं कि मैंने अपना बयान डीएसपी के पास लिखवा दिया है। मुझे कुछ भी हुआ ना तो पुलिस सीधा तुम्हारे घर पर आएगी, समझे? और हां, आइंदा अगर मेरे हॉस्टल के पास भी नजर आए तो मुझसे गिला मत करना कि हॉस्टल वालों ने तुमसे बदतमीजी की। किसकी गाड़ी खड़ा हो गया इधर? कौन है भाई? ओ भाई, आगे बढ़ाओ गाड़ी। सलाम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? मैं ठीक हूँ। सलाम सर। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी कैसी है? बहुत अच्छी है मालिक। वो लोग उसका निकाह कर रहे हैं और आप वहां रह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्या इसीलिए आपने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि उन दरिंदों के हवाले कर दे? खुश तो मैं भी नहीं हूँ मालिकन, लेकिन मैं कॉल का पाबंद हूँ। इस खानदान से वफादारी का कॉल जो मेरे बाप दादा ने उठाया है, उसको मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। वो भी तो उसी खानदान की है, वो भी तो इस रियासत की मालिक वारिस है। आप तो जानती हैं बेगम साहिबा, मैंने छोटी मालिकन के लिए बहुत कुछ किया है। 18 साल तक आरिफ साहब के जरिए आपको उनकी खैरियत बेचता रहा, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? नहीं गुल बाबा, अगर आप चाहें तो मैं मानूर से मिल सकती हूँ। बस एक बार उसे मुझ तक पहुंचा दें, उसके बाद कोई मुझसे नहीं छीन सकता उसे। मुझे माफ कर दे बेगम साहिबा, मैं इस उम्र में नमक हरामी का दाग लेकर मरना नहीं चाहता हूँ। छोटी मालिकन की शादी हो रही है आबिद खान के साथ, वो फिर भी हवेली में रहेगी, और जब तक रहीम गुल की जिंदगी है वो छोटी मालिकन की हिफाजत करेगा, ये मेरा आपके साथ वादा है। गुल बाबा, मुझे आपकी मजबूरी का एहसास है। अगर आप वहां हवेली में उसकी हिफाजत ना करते तो ना जाने उसका क्या हशर होगा। बज़ाहिर तो सब कुछ बीजान के हाथ में ही, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी बेटी भी जान की कैद से जरूर आजाद हो जाएगी। मैं जाता हूँ बेगम साहिबा, हवेली में बहुत काम है। सलाम। खुदा हाफिज। मिस्टर अदील, आप मुनज़्ज़ा हैं? जी, I'm sorry, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं, it's okay, please बैठे। जी। आप कुछ लेंगी, चाय कॉफी? नहीं, मेरे पास टाइम पहले ही बहुत कम है, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। नहीं, एक्चुअली वेटर पहले भी दो बार आ चुका है।
उसको ये बात बहुत बुरी लग रही है कि मैं बगैर कुछ खाए पे यहाँ पे काफी देर से बैठा। ओ, अच्छा तो एक कॉफी मंगा दे। ओके बेटा, दो कॉफी। वैसे मानूर तो बहुत छुपी रुसम निकली, इतना हैंडसम दोस्त बना लिया वो भी चुपके चुपके। जी थैंक यू। वो मानूर कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी परेशान है। आप तो जानते हैं ना कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसका निकाह कराया जा रहा है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि उसके इनकार करने पे उस पर बहुत तशद्दुद किया गया था। उसने अपने ऊपर होने वाले जुल्म की वजह से नहीं बल्कि आपकी जान के खतरे के खौफ में शादी के लिए हाँ की थी, लेकिन अब कुछ डेवलपमेंट हुई इसीलिए उसने आबिद खान से शादी ना करने का फैसला किया। क्या? लेकिन उस हवेली की मालकन उसकी बात कहाँ मानेगी? वो इसीलिए तो उसने हवेली छोड़ने का फैसला किया, और इसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तैयार हूँ। मुझे यकीन था कि मानूर यही फैसला करेगी, लेकिन हवेली पे बहुत सख्त पहरा होता है। हर वक्त मानूर के साथ कोई ना कोई रहता है, उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। मुझे सिर्फ मानूर की रजामंदी चाहिए थी, अब कोई भी चीज मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। मगर ये सब कुछ कैसे होगा? मैं प्लान बनाते ही आपको कॉन्टेक्ट करूंगा, लेकिन आप मेरी मदद करेंगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। थैंक्स। एएसपी हुमायूं स्पीकिंग। आपकी बहाली पर मुबारकबाद देना चाहती थी। ओह, मेरा ख्याल था कि आप शायद मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन मुझे ही फोन करना पड़ा आपको। जी मैडम, वक्त ही नहीं मिला। दरअसल बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे, जिस दौरान मैं सस्पेंड था उस दौरान यहाँ कोई ऑफिसर था नहीं, इसलिए सब कुछ खुद ही देखना पड़ रहा है। हाँ, मुझे पता चला है कि आप पुराने केसेस खोल रहे हैं और उन पर तफ्तीश कर रहे हैं। मैंने सुना है कि मेरे बेटे हाशिम खान का केस भी आपने रीओपन किया है। जी, उनकी बेवा की तरफ से दरख्वास्त आई थी उस केस को दोबारा रीओपन करने की। बड़ी हैरत की बात है कि आपने मुझसे नहीं पूछा कि मेरी मर्जी क्या है। मैडम, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मेरे हिसाब से तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके बेटे के कातिल पकड़े जाएंगे, और वैसे भी ये उनकी बेवा का कानूनी हक है, हम उन्हें नहीं रोक सकते। आप जरूर जरूर तहकीक कीजिए, और अगर आप समझते हैं कि हाशिम खान की मौत के पीछे कोई साजिश थी तो उसको जरूर बेनकाब कीजिए। जी, हमारी भी यही कोशिश है। साहब, शुरू में आपके और मेरे दरमियान कुछ तलखी सी हो गई थी, जिसकी मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी और मेरे ताल्लुकात बहुत खुशगवार रहने चाहिए। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है मैडम कि आपकी सरपरस्ती मिल जाए। इस तरह आपका शहर और आपकी रियासत जराइम से पाक हो जाएगी। जराइम कभी ख़त्म नहीं होते एसपी साहब। देखिए ना, पैगंबरों के ज़माने में भी हाथ काटे गए, संसार हुए, तो ये जराइम तो नहीं खत्म होंगे। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं मैडम। हाँ नहीं, जरूर 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 कीजिए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, मेरी पूरी कोऑपरेशन आपके साथ है, और इस खुशगवार ताल्लुकात की इब्तिदा के लिए मैं एक छोटा सा तोहफा भेज रही हूँ आपको, प्लीज कबूल फरमाइएगा। तोहफा? कैसा तोहफा? अरे छोटी सी खिदमत है एएसपी साहब। क्यों घबरा रहे हैं? बड़ी मामूली सी 25 लाख की रकम है आपके लिए। ओ, मैं तो वाकई समझा था कि आप अच्छे ताल्लुकात का आगाज कर रही हैं। आई एम सॉरी मैडम, शायद आपको लगता हो कि हर चीज बराए फरोख्त है।
मैं नहीं हूं। आई एम सॉरी। हैव अ गुड डे। खामोशी के पीछे मुझे एक तूफान पलता दिखाई दे रहा है। मुझे इस जहन्नुम से निकलना है। तो बस आ रो क्या बात? महल मना रहे आंख बना ले लाख बना ले दिल न बसा तो क्या इश्क तबंदे आ फड़ ले बल्ला इश्क खुदा तेरा पैमाने वफा दस्तारे अना सब कुछ है यही रह जाना चित बना दे जीद करा दे याद मेरा साया ना झड़ मेरा माही